पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हंगामा नजर आया है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में सातवें चरण में चुनाव हो रहा है, 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें दक्षिण 24 परगना में हंगामा देखने को मिला। नाराज महिलाओं ने ईवीएम को पानी में फेंक दिया, नाराज महिलाओं ने बूथ एजेंट को रोकने का लगाया आरोप। वहीं चुनाव आयोग ने ईवीएम फेंकने वालों पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा हो नहीं सकता है कि चुनाव हो और वहां पर झड़प की तस्वीरें नजर ना आए। फिलहाल महिलाओं ने बूथ एजेंट को, नाराज महिलाओं ने ईवीएम को पानी में फेंक दिया, ईवीएम फेंकने वाले पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। महिलाओं ने बूथ एजेंट को रोकने का आरोप लगाया। महिलाएं जब बूथ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भरसक जा रहे होंगी तो उस समय बूथ एजेंट के द्वारा उनको रोका गया, जिस पर महिलाएं गुस्सा गई और उन्होंने ईवीएम ही उठाकर पानी में फेंक दिया। अब एफआईआर दर्ज होगी उन सभी के ऊपर जिन्होंने ईवीएम को फेंका है। नाराज महिलाओं ने ईवीएम को पानी में फेंका, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से सीधे ये झड़प की खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं ने बूथ एजेंट को फिलहाल बताते चले कि रोकने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर हम आपको पानी में फेंके ईवीएम का दिखा रहे हैं, वो ईवीएम जिसमें अपने मताधिकार का प्रयोग आप करते हैं, मतदान करते हैं, उसी ईवीएम को पानी में फेंक दिया महिलाओं के द्वारा। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि सातवें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। सातवें चरण में 904 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, उड़ीसा की 6, बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पंजाब की 13, तो चंडीगढ़ की 1 सीटों पर मतदान जारी। बताते हैं कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सुबह 9 बजे तक कितने वोटिंग कास्ट पर्सन निकलकर सामने आए, तो 2 घंटे के ये मतदान फीसदी हम आपको बता रहे हैं। टोटल अगर हम बात करें 8 राज्यों की तो 11.31% अभी तक मतदान 2 घंटों में हो चुका है। बिहार की बात करें तो 10.58%, उत्तर प्रदेश में आपको 12.94%, हिमाचल प्रदेश में 14.35%, तो झारखंड में 12.15%, वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो 12.15%, तो वहीं पंजाब की अगर हम बात करें तो 9.64%, उड़ीसा में 7.69%। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं रुझान के। पंजाब में भी 9.64% मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया कि 12.94%, टोटल मिलाकर 11.31% अभी तक 2 घंटे का रुझान आपके सामने है। 2 घंटे में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 11.31% मतदान किया है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें पहले तो योगी आदित्यनाथ की, और वो हम आपको वोटिंग कास्ट पर्सन दिखा रहे थे। अब आखिरी चरण के दिग्गज कौन कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहले ये हॉट सीट 7वां चरण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें खुद प्रधानमंत्री